जो ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं उनको कहते हैं एंकल एलिमेंट्स, फर्स्ट वाले, बिकॉज दे फॉर्म ट्यूनिबल हाइड्रोक्साइड, इनके हाइड्रोक्साइड ट्यूनिबल है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, तो ये ट्यूनिबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इनके हाइड्रोक्साइड क्या ट्यूनिबल है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, मगर लिथियम हाइड्रोक्साइड लेस ट्यूनिबल है और बाकी ज्यादा सोल्युबल है, सोल्युबिलिटी इन इनकी टॉप टू बॉटम, बेटा सोल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डबल गेस हीलियम जैसी बन जाती है, जब ये 2s1 वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सोडियम की देखो नियम 3s1, मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नियॉन जैसी बन जाएगी। अच्छा, इसका पीरियड थर्ड है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप 1 होगा और पीरियड 3 होगा। पोटेशियम आर्गन 4s1, जब पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी कॉन्फिगरेशन आर्गन जैसी बन जाएगी। रुबिडियम क्रिप्टन 5s1, तो रुबिडियम का 5वां पीरियड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप फर्स्ट होगा इसका, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैप्टन कैसी हो जाएगी। सीजियम जीना 6s1 और फ्रांसियम जो है रेंडा 7s1, ये रेडियो एलिमेंट है। अच्छा, अल्कली मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव है बेटा, अल्कली मेटल सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, आपको आजाद हालत में नहीं मिलेंगे, फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, एलिमेंट की जरूरत में नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे कंपाउंड की सूरत में। जिस तरह सोडियम में तो आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड की सूरत में। अच्छा, इसी सोडियम क्लोराइड से इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, सोडियम क्लोराइड से इसको मैन्युफैक्चर करेंगे बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ यूज या मोल्टन सोडियम क्लोराइड, या तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड के लिए प्राइस करेंगे या फ्यूज सोडियम क्लोराइड, एक्चुअल सोल्यूशन के लिए प्राइस नहीं करते हैं मगर फ्यूज की हम प्राइस करेंगे, फ्यूज NaCl या मोल्टन NaCl के लिए प्राइस करेंगे तो सोडियम मेटल मिलेगा। और सोडियम मेटल को रखा जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर या पैराफिन ऑयल के अंदर रखेंगे या केरोसिन ऑयल गैसलाइट के अंदर रखेंगे, आजाद हालत में नहीं रख सकते उसको, अगर ओपन एयर में रखेंगे तो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसलिए इसको रखा जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर, अल्कोहल के अंदर नहीं रखेंगे क्योंकि अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा। ज्यादा रिएक्टिव है, आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे नेचर के अंदर मगर ये मिलते हैं कंबाइंड स्टेट के अंदर, ऑक्सो कंपाउंड्स के अंदर, और जिसके अंदर ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, लाइक ऑल अल्कली मेटल्स दे आर कंडक्टर ऑफ हीट, इनमें हीट पास हो जाती है, बढ़ता रहता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, हीट भी पास हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ये सॉफ्ट होते हैं और इनकी सॉफ्टनेस ग्रुप के अंदर बढ़ती है, इनकी जो सॉफ्टनेस है ग्रुप के अंदर बढ़ जाती है। अच्छा, सॉफ्टनेस इंक्रीज इन ग्रुप, इनको आप चुरी से काट भी सकते हैं, जैसे छोटे मेटल होता है लेबोरेटरी के अंदर हम यूज करते हैं डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के लिए, जो एलिमेंट की डिटेक्शन होती है उसके लिए हम सोडियम मेटल यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक में तब्दील करने के लिए, ठीक है, तो उसको आप छुरी से काट सकते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइटर भी होते हैं दूसरे एलिमेंट से और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग भी लो होता है।
लो मिलती है बॉइल पे और डेंसिटी भी इनकी लो होती है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज है कि सॉफ्ट होते हैं, मिल्क और बॉइलपन कम होता है, डेंसिटी भी कम होती है इनकी, ठीक है, और इनकी सॉफ्टनेस ग्रुप के अंदर बढ़ जाती है। अच्छा अभी हम पढ़ रहे थे कि टॉप टू बॉटम बेटा लिथियम के अंदर 2 स्टील, सोडियम के अंदर 3, पोटेशियम के अंदर 4, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम। तो क्या होता है इनका जो स्केल से वो बढ़ जाते हैं बेटा, स्केल बढ़ जाते हैं और स्केल बढ़ने से जो एटम का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं और उन शेल के दरमियान प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने से एटम का जो साइज है वो बिगड़ हो जाता है। तो वैसे भी हमने ये पढ़ा था, हमें आपको हमने पढ़ा था कि ग्रुप के अंदर एटम का साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो इसके अंदर देखो कि जब हम लिथियम से सीजियम तक मूव करेंगे, जब हम मूव करेंगे लिथियम से सीजियम तक तो एक्स्ट्रा शेल इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, एक एक शेल बढ़ता जाता है, लिथियम में 2 है, सोडियम में 3, तो शेल्स बढ़ जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ शेल्स, शील्डिंग वेट इंक्रीज, शेल बढ़ने से हमें रिप्रेशन बढ़ती है जिसको कहते हैं शील्डिंग वेट और एटम का जो साइज है वो बढ़ेगा। तो बेटा ये एलिमेंट है लिथियम, उसका साइज इंगस्ट्रम के अंदर दिया गया 1.55, सोडियम का दिया गया 1.90, पोटेशियम का 2.35, रुबिडियम का 2.48, सीजियम का क्या दिया गया 2.68। ये एटॉमिक साइज देखो ग्रुप के अंदर बढ़ रहा है। अब देखो चार्ट भी बना हुआ है इसका, ये भी बता रहा है कि लिथियम का छोटा साइज है, सोडियम का बड़ा है, पोटेशियम का उससे बड़ा है, रुबिडियम का उससे भी साइज बड़ा है और सीजियम का उससे भी बड़ा है। इसका मतलब है टॉप टू बॉटम जाएंगे बॉटम का जो साइज होगा वो इंक्रीज होगा। Wind and ionization potential. बेटा ionization potential है amount of energy which is required to remove an electron from gaseous neutral atom to form positive ion. देखो ये energy है which is required to remove electron. जो electron को remove करने के लिए चाहिए होती है, outermost electron को remove करने के लिए जो energy चाहिए उस energy को हम कहते हैं ionization potential. अगर एटम का साइज छोटा है बेटा, एटम का साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होगा और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होगा, उस इलेक्ट्रॉन को लूज करना डिफिकल्ट होगा। तो देखो लिथियम का साइज छोटा है और जो लिथियम का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है, तो इसका मतलब है लिथियम के अंदर लिथियम में से इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होगा। अब सोडियम के अंदर क्या होगा, शेल एक बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा शेल के अंदर ऐड हो जाएगा, सोडियम के अंदर 3 शेल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तब, और वो लूज भी बाउंड होगा, आसानी से लूज हो जाएगा, आयन पिक भी कम होगी, पोटेशियम का साइज से भी बिगड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से दूर होगा, शील्डिंग वेट बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा। इसका मतलब है टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता है, शेल्स बढ़ जाते हैं, शील्डिंग वेट बढ़ जाता है, एटम का साइज बढ़ता है, शील्डिंग वेट बढ़ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है और आईपी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो टॉप टू बॉटम आईपी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब ग्रुप फर्स्ट वाले में जो पहला इलेक्ट्रॉन लूज करना है वो बहुत ही आसान है और वैसे भी मेटल की जो आईपी होती है वो जनरली लो होती है और अल्कली मेटल तो स्पेशली लो है क्योंकि बिगर साइज है इसका, जो अल्कली मेटल्स का साइज बड़ा है इसलिए उनकी जो आईपी फर्स्ट आईपी होती है वो जनरली लो होती है।
और टॉप टू बॉटम इससे भी कम होती है आईपी। अब जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे इसमें से बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना वो डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि इनकी कॉन्फिगरेशन नोबल गैस जैसी बन जाती है, इनका आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, इनमें सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद इनका जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट आउटरमोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट है, तो सेकंड आईपी की बहुत हाई होगी। याद कर लो अल्कली जो बेटेसन की फर्स्ट आईपी लो है और सेकंड आईपी बहुत हाई है। फर्स्ट लिथियम की शायद 520 तक है, किसी बुक में 525 तक लिखा हुआ आईपी के लिए, मगर सेकंड जो आईपी है राउंड अबाउट 7000 है। सोडियम की फर्स्ट आईपी 496 है, तो सेकंड जो आईपी वो 4563 है, तो बहुत सेकंड जो आईपी वो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट बन जाता है। तो देखो कहते हैं अल्कली जो मेटल्स हैं, जो अल्कली मेटल्स हैं हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द एनएस ऑर्बिटल, उनके एनएस ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो जो एनएस इलेक्ट्रॉन है वो वीकली बाउंड होता है न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के साथ इतना टाइटली बाउंड नहीं होता और वो इजीली रिमूव हो जाता है। वो क्या हो जाता है, इजीली रिमूव हो जाएगा। अल्कली मेटल्स हैव लो आयनाइज एनर्जी, अल्कली मेटल्स की जो आयनाइज एनर्जी वो लो होती है जनरली। बेटा जो अल्कली मेटल्स है उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लो है और डिक्रीज होती है ड्रम लिथियम टू सीजियम डाउन द ग्रुप, और वो कुछ वैल्यू में डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है। एज द डिफरेंस ऑफ एनएस वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज, और जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, सारे डिस्टेंस बढ़ेगा, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, आसन से लूज हो जाएगा, और जब डिस्टेंस बढ़ता है लिथियम से सीजियम तक, जब लिथियम से सीजियम तक जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रिमेन, और रिमूवल जो होगी वो आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ठीक है, सेकंड हैंड के पोटेंशियल इज हाई, सेकंड हैंड के पोटेंशियल जो है हाई हो जाएगी। बेटा सेकंड आईपी की हाई है, बेटा लास्ट ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एम के टाइम व्हिच हैज नोबल गैस कंसंट्रेशन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस जैसी बन जाती है, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट बन जाता है, तो सेकंड आईपी क्या होगी इनकी बहुत ज्यादा होगी, जबकि फर्स्ट आईपी क्या होगी कम होगी। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी हुई है बेटा, ये आईपी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है, लिथियम की 5.4, सोडियम की 5.1, पोटेशियम 4.3, रुबिडियम 4.2 और सीजियम 3.9, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है, और किलो जूल पर मोल में लिथियम की 520, 496, 419, 403, 376 इसके अंदर है बेटा, किलो जूल पर मोल में है, और ये वैल्यू पूरे पीरियडिक में जो फर्स्ट टाइप की वैल्यू है सबसे लोअर वैल्यू यही है, और सबसे लोअर वैल्यू इसके सीजियम की है, तो अल्कली मेटल में सीजियम बहुत ज्यादा रेट है, सीजियम बहुत ज्यादा मेटलिक है, क्योंकि जिस एलिमेंट की आईपी लो होती है वो ज्यादा मेटलिक होता है। मेटलिक का मतलब ही यही है, एबिलिटी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी ऑफ एटम टू गिव अप इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा किसकी है, सीजियम की है, और मेटलिक कैरेक्टर भी किसका ज्यादा है, सीजियम का, रिएक्टिविटी भी सीजियम की ज्यादा होगी, क्योंकि अल्कली मेटल्स के अंदर रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है, अल्कली मेटल्स में बेटा रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है, तो आयनाइज एनर्जी डिक्रीज इन ग्रुप,
एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज, जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ तो आईपी की डिक्रीज हो गया। इट इज बेस्ड ऑन इफेक्ट एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे हम डाउन ग्रुप में जाएंगे साइज ऑफ द एटम इंक्रीज, जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता है, शेड्स इंक्रीज हो जाते हैं, एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, जस्ट रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जाहिर है फोर्स अट्रैक्शन कम हो जाएगी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स अट्रैक्शन वीक हो जाएगा और आयन से पोटेंशियल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आयन से पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी। चार्ट भी है, देखो लिथियम भी ज्यादा है, ये लिथियम की आईपी है, सोडियम की कम है, पोटेशियम को इससे भी कम है, रुबिडियम को इससे भी कम है, सीजियम को इससे भी कम है। मे भी कभी कभी ये चार्ट देकर पूछा जाता है कि ये चार्ट किसको जाहिर कर रहा है, एटम के साइज को जाहिर कर रहा है, एटम के साइज को जाहिर कर रहा है या आईपी, तो बेटा एटम का साइज तो बढ़ता है, एटम का साइज तो ग्रुप के अंदर बढ़ता है, और जबकि ये वैल्यू ग्रुप के अंदर क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल है जो ग्रुप के अंदर क्या हो रही है, बेटा डिक्रीज हो रही है। और अल्कली जो मैट्रिक्स है उनकी इलेक्ट्रॉन लो है, बेटा जो अल्कली मैट्रिक्स है उनकी इलेक्ट्रॉन सबसे लोअर है, अल्कली मैट्रिक्स आर कार इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, जो अल्कली मैट्रिक्स है उनको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज पर डिपेंड करती है, तो फर्स्ट ग्रुप वालों का साइज बिगर है इसलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज है वो कम होती है, लोअर वैल्यूज होती है, और टॉप टू बॉटम एटम का साइज बढ़ता है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होगी वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम कम हो जाए, और सीजियम की इलेक्ट्रॉनिटी सबसे लोअर है, जो सीजियम है बेटा उसकी इलेक्ट्रॉनिटी सबसे लोअर है ग्रुप फर्स्ट के अंदर, क्योंकि लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिटी है 1.0 है, सोडियम की 0.9 है, इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाती है ग्रुप के अंदर, क्योंकि एटम का साइज बढ़ जाता है। उनमें ज्यादा टेंडेंसी होती है वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और इनका करेक्टर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर कम होता है, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर दीज मेटल्स है वेरी लिटिल इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, इन एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर होगा वो कौन होगा, क्योंकि
इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज्यादा है इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कम होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप लिथियम टू सीजियम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डाउन द ग्रुप कम होगी। जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा, जैसे एटम का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बेटा इसके अंदर वैल्यू देखें, लिथियम की इलेक्ट्रॉन की है 1.0, सोडियम की 0.9, पोटेशियम 0.8, रुबिडियम 0.8, सीजियम 0.7। और इसके अंदर भी देखो ये लिथियम है, ये सोडियम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, और ये ग्राफ के जरिए शो किया गया इनकी इलेक्ट्रोनिटी वैल्यू 1 है, 0.9 है, 0.8 है, उसके बाद 0.8 है, उसके बाद 0.7। मजबूती डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की या जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन से होंगे। तो अल्कली मेटल्स के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसके अंदर बाइंड फोर्स वीक होगी। बेटा जो अल्कली मेटल्स हैं इनके अंदर जो बाइंडिंग फोर्स होती है जो डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है वो वीक होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो वीक बाइंडिंग फोर्स है। इसलिए इनका साइज बिगर होता है, साइज बड़ा होता है और इंटरएटॉमिक फोर्स का रोटेशन वीकर होती है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। तो अल्कली मेटल से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और टॉप टू बॉटम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। टॉप टू बॉटम जो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है वो कम हो जाता है इस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी और सेकंड ग्रुप के अंदर भी, मगर सेकंड ग्रुप वालों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि उनके अंदर डाइवेलेंट के टाइम्स होते हैं, डाइवेलेंट के टाइम्स हैं और बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके अंदर। इसलिए उसके अंदर जो मेटलिक बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग, जो सॉरी बाइंडिंग फोर्स होती है स्ट्रॉन्गर है। अल्कली मेटल्स के अंदर बाइंडिंग फोर्स स्ट्रॉन्गर नहीं होती, वीकर बाइंडिंग फोर्स है, इसलिए उसका मेटलिक और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है और टॉप टू बॉटम सॉफ्टनेस बढ़ जाती है और हार्डनेस कम हो जाती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड ऑफ अल्कली मेटल्स इज वेरी लो। बेटा अल्कली मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वीक मेटलिक बॉन्ड, क्योंकि मेटलिक बॉन्ड वीक है, मेटलिक बॉन्ड जो होता है बेटा इसके अंदर वीक बॉन्ड है, ठीक है, इन द सॉलिड स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स। द फोर्स बाइंडिंग एटम्स जो फोर्स एटम को बाइंड करके रहती है इन द क्रिस्टल, बेटा अब दीज मेटल्स आर रिलेटिवली वीक, जो बेटा बाइंडिंग फोर्स है जो मेटल के एटम को जकड़ कर रखती है बाइंड करके रहती है वो वीक होती है। दीज मेटल्स आर सॉफ्ट होते हैं
एंड पजेस लो मेंटेन इनका मेंटेन बॉयफ्रेंड वो होते हैं और वो काम का ग्रुप कम हो देता है, मेंटेन बॉयफ्रेंड कम भी होगा जो भी है और काम का ग्रुप डिक्रीज भी हो जाता है। इसको देखो लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 181 है, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 98 है, पोटेशियम का 63, रुबिडियम का देखो 39 और सीजियम का 28। इसका मतलब है सीजियम जो है वो आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म अगर टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ गया। अगर टेम्परेचर सपोज करते हैं इसका है 28.5, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ये सॉलिड फॉर्म में होगा, समझे 28 डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर उससे थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इसमें आ जाएगा लिक्विड फॉर्म में। गर्मी के अंदर रुबिडियम भी, गर्मी में जब टेम्परेचर 40 से बढ़ जाता है तब ये भी लिक्विड में आ जाएगा, मेल्ट हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे। तो अब देखो मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है और ये बॉइलिंग पॉइंट वो भी कम हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहे हैं। अब इनमें देखो फर्स्ट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का है, सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बेटा लिथियम का है। इसका मतलब है फोर्स ऑफ लिथियम स्ट्रॉन्गर है और सीजियम में वीकर है। जो इंट्राटॉमिक फोर्स है वो लिथियम स्ट्रॉन्गर है, सीजियम में वीकर है। अब आते हैं इसके अंदर भी देखो, ये भी ट्रेंड बेटा बताया गया इसका। देखो कि बॉइलिंग पॉइंट का बेटे बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है, देखो वैल्यूज में कमी हो रही है, वैल्यूज क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। न्यूक्लियर मास कम है बेटा, जो न्यूक्लियर मास होता है वो कम होता है, न्यूक्लियस का मास और वॉल्यूम लार्जर है। देखो जो अल्कली मेटल्स हैं उनका न्यूक्लियर मास कम और वॉल्यूम लार्जर है और लार्जर वॉल्यूम की वजह से ये लेस डेंसर होते हैं, लेस डेंसर होते हैं, लो मेटल बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कली मेटल्स। तो अल्कली जो मेटल्स हैं वो लो डेंसर हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल से भी कम डेंसर है, अल्कलाइन जो अर्थ मेटल से वो ज्यादा डेंसर है। इनकी डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है बेटा, इनकी जो डेंसिटी है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है और जो सीजियम होगा वो ज्यादा डेंसर है। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम बेटा, लिथियम है सोडियम है पोटेशियम है, इनकी डेंसिटी वाटर से भी कम होगी। देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, वाटर के ऊपर ये फ्लोट करते रहेंगे। सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, लिथियम मेटल है, ये वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहेंगे क्योंकि लो डेंसर है ये। तो रुबिडियम सीजियम की जो डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। तो देखो डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल्स आर क्वाइट लो ड्यू टू लार्जर वॉल्यूम एंड सिमिलर न्यूक्लियर मास, वॉल्यूम लार्जर बेटा डेंसिटी या मास अपन वॉल्यूम। क्या मैं थोड़ा ना गौर करना नहीं, इनका जो न्यूक्लियर मास है सिमिलर थोड़ा ना गौर करना नहीं थे। लिथियम सोडियम पोटेशियम
और लाइटर, तीन वाटर, वाटर से लाइटर होते हैं और वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहेंगे। ये डेंसिटी इंक्रीजेस एंड ग्रोस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, लिथियम से सीजियम तक। अच्छा, पोटेशियम लाइटर दें सोडियम, पोटेशियम क्या होता है सोडियम से भी लाइटर है, व्हिच इज ड्यू टू द अनयूअल इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। इसके अंदर एटॉमिक साइज अनयूअल इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब इसके अंदर इरेगुलरिटी है इसके अंदर पोटेशियम के अंदर। अब देखो ये लिथियम की डेंसिटी है 0.534, सोडियम की है 0.97, पोटेशियम की देखो कम होगी वैल्यू। ये देखो इसका मतलब पोटेशियम के अंदर इरेगुलर टेंडेंसी का, वो उसका रिजल्ट क्या है अनियल इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। रुबिडियम की 1.53 वाटर से ज्यादा है और सीजियम की 1.903 वाटर से ज्यादा है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी क्या है 1 से कम है, इन सब की 1 से कम है। बेटा ये डेंसिटी का ग्राफ भी दिया गया, ये देखो ग्राफ किसका डेंसिटी का है, जो बता रहे कि सोडियम की कम है, लिथियम की कम है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम का है, ये पोटेशियम के अंदर इरेगुलरिटी है। बेटा देखो पोटेशियम के अंदर क्या है इरेगुलरिटी है डेंसिटी के अंदर, रुबिडियम की वैल्यू ज्यादा होगी और सीजियम की वैल्यू भी क्या होगी ज्यादा है। इसके अंदर देखो पोटेशियम के अंदर इरेगुलरिटी है डेंसिटी के अंदर। के बाद एक और ट्रेंड भी है वो बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी का ट्रेंड, हाइड्रेशन एंथैल्पी के अल्कली जो मेटल्स हैं, अल्कली मेटल के आयंस, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस है इसमें देखो, हाइड्रेशन एंथैल्पी आयंस की के अल्कली मेटल्स आयंस, जो अल्कली मेटल गैसेस आयंस होते हैं वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अल्कली मेटल आयन जो है वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द आयंस। अच्छा, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो आयंस की होती है वो डिपेंड करते हैं आयन के साइज और चार्ज पे, आयन का साइज और चार्ज, अगर आयन का साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है ग्रुप फर्स्ट में जो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी वो लिथियम की, और उसके बाद साइज क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रुप के अंदर डिक्रीज होगी, ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होगी वो डिक्रीज होगी। इसका मतलब ग्रुप फर्स्ट में लिथियम स्ट्रांगली हाइड्रेटेड हो जाता है, लिथियम की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी वो ज्यादा होगी, सोडियम से भी, पोटेशियम से भी, रुबिडियम से भी, सीजियम की, और सीजियम की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी। अच्छा, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है चार्ज ऑफ आयन पे, अब चार्ज सबके अंदर बराबर है बेटा, ग्रुप फर्स्ट में चार्ज सबके बराबर है मगर साइज बराबर नहीं है, तो जिसका साइज छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। सेकंड ग्रुप में जो बेरिलियम होता है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, क्योंकि सेकंड ग्रुप में बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, बेरिलियम का जो साइज है वो सबसे छोटा है, इसलिए जो बेरिलियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। और ग्रुप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो सेकंड ग्रुप वालों की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, क्योंकि सेकंड ग्रुप वालों को एक तो चार्ज ज्यादा है, सेकंड ग्रुप वालों के एक तो चार्ज ज्यादा है और दूसरा साइज छोटा है, इससे सेकंड ग्रुप वालों की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी वो ज्यादा है ग्रुप फर्स्ट से। इसका मतलब है अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस आर स्ट्रांगली हाइड्रेटेड देन अल्कली मेटल आयंस, मगर उसके बाद ये रिएक्टिविटी का आ गया ट्रेंड आ गया और हाइड्रेशन एंथैल्पी का ट्रेंड इसके अंदर गिवन नहीं था बेटा, ये जो बुक है उसके अंदर हाइड्रेशन एंथैल्पी का ट्रेंड गिवन नहीं था, मगर सिम की बुक में जरूर है हाइड्रेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। चलो ये रिएक्शंस हो जाए, ठीक है।
टेंशन पे आ बेटा मेटल आइन इमाइन है इस फॉर्म में गैस वाले फॉर्म में तो गैसेस मेटल आइंस इंटरेक्ट विथ वाटर जो गैसेस मेटल आइन होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं वाटर के साथ जो गैसेस मेटल आइन है वो इंटरेक्ट करेंगे विथ वाटर टू रिलीज एनर्जी एनर्जी को क्या कहते हैं बेटा गैसेस जो मेटल आयन है सोडियम आयन पोटेशियम आयन लिथियम आयन ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं ये आयन वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं ठीक है और इंटरेक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज करते हैं उस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी ठीक है हाइड्रेशन एंथैल्पी एनर्जी विल बी मोर टाइप ऑफ आयन इस्तेमाल एंड चार्ज इज मोर बेटा जो हाइड्रेशन एंथैल्पी वो ज्यादा होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी वो लार्जर होगी अगर आयन का साइज छोटा है और उसके ऊपर चार्ज ज्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी आप लिखिए because of smaller ionic size to beta group first mein hydration enthalpy lithium ki zyada hai jo group first hai usme jo hydration enthalpy hogi wo lithium ki zyada hai enthalpy जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ग्रुप के अंदर डिक्रीज हो जाती है बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रुप के अंदर डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक साइज क्योंकि इन जो आयनिक साइज है वो इंक्रीज हो जाता है जो आयनिक साइज है वो बेटा इंक्रीज हो जाता है इससे हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो ग्रुप फर्स्ट में लिथियम जो आयन होगा लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है कि लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या बेटा सबसे ज्यादा है जो प्रमोट करती है लिथियम को ऑक्सीडाइज होने में बेटा वो प्रमोट करेगी क्या लिथियम को ऑक्सीडाइज करने में हीटिंग
अल्कली मेटल का बेटा रिएक्ट, जो अल्कली मेटल्स हैं उनका रिएक्शन वाटर के साथ या एसिड, जब उनको हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वाटर के साथ क्विकली रिएक्ट करते हैं, रैपिडली रिएक्ट करते हैं अल्कली मेटल्स वाटर के साथ और बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सोडियम मेटल को पानी के अंदर ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, पोटेशियम मेटल को पानी के अंदर ऐड करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, रुबिडियम मेटल को पानी के अंदर ऐड करेंगे तो बनेगा रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और हीट भी रिलीज करेंगे। मतलब अल्कली मेटल को जब आप पानी के अंदर ऐड करेंगे तो एक रिएक्शन का रैपिड रिएक्शन होगा वाटर के साथ, जल्दी रिएक्शन होगा, ठीक है, और जो रिएक्शन होता है एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है वाटर का, वाटर के साथ अल्कली मेटल का, और बहुत ज्यादा हीट रिलीज करते हैं और बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसमें लिथियम की रिएक्टिविटी कम होगी बेटा, लिथियम की रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और रिएक्टिविटी वाटर के साथ टॉप टू बॉटम बढ़ती है। इसका मतलब है सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, रुबिडियम सीजियम या पोटेशियम जो है वो आइस के साथ रिएक्ट करते हैं, इवन -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनका रिएक्शन वाटर के साथ हो जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड समझे, उस पे भी उनका रिएक्शन वाटर के साथ हो जाएगा, वो बहुत फास्ट रिएक्शन अल्कली मेटल का वाटर के साथ। और ये हमने जो पीरियड पढ़ रहे थे उसके अंदर भी पढ़ा था बेटा, पीरियड्स के अंदर भी आपको हमने पढ़ा था सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ, तो उसमें भी बताया था कि सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो बाकी का रिएक्शन किस तरह है, लिथियम को रिएक्शन कराएंगे तो लिथियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी, पोटेशियम से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, रुबिडियम से रुबिडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस। तो अल्कली मेटल जो है वो जब पानी के अंदर हम ऐड करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और रिएक्शन का बहुत फास्ट हो जाए। रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, अल्कली मेटल और वाटर का रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक, दे रिएक्ट विगोरसली फास्टली एंड लिबरेट मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फास्ट रिएक्शन होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस। अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड स्टोर्ड इन द क्लोरोफिल एरोमेटिक फिनोमेना, ये नोट कर लो, इनको स्टोर करके कहाँ रखेंगे बेटा, ये केरोसिन ऑयल के अंदर रखा होता है या पैराफिन ऑयल के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ओपन एयर में इनको नहीं रख सकते। तो देखो सोडियम प्लस वाटर, सोडियम मेटल है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सोडियम मेटल को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस। अच्छा उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल विद वाटर बिकम्स मोर एंड मोर प्रेस एज यू मूव डाउन द ग्रुप, इसका मतलब डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अब देखो ये मेटल है प्लस वाटर तो बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और डेल्टा एच के लिए नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा रिएक्शन क्या होगा एक्सोथर्मिक को, तो पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम आर स्लो रिएक्टिव, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि ये रिएक्ट कर लेते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, आइस के साथ, आइस के साथ रिएक्ट करते हैं -100 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, बेटा अल्कली मेटल्स जो है रिड्यूसिंग एजेंट्स, अल्कली मेटल्स क्या है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है खुद ऑक्सीडाइज होते हैं दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होंगे और जब के रिड्यूस करेंगे दूसरों को। तो अब देखो एम सॉलिड है प्लस वाटर तो क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस। अल्कली मेटल सॉलिड फॉर्म है, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस।
रिएक्ट विद ऑक्सीजन। देखो पहला रिएक्शन था इनका वाटर के साथ, ऑल्कली मेटल को जब हम वाटर के अंदर रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड रिलेटेड गैस। अच्छा उसके बाद ऑक्सीजन के साथ, ये भी आपको मैंने सबका पढ़ा दिया था कि इसके अंदर जो लिथियम है वो बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड। बेटा जो लिथियम है ये बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम बनाता है परऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। इसका मतलब है अल्कली मेटल में जो लिथियम है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। बेटा लिथियम बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम बनाएगा परऑक्साइड और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। ये ध्यान में रखना चाहिए। तो आप देखो रिएक्शन में था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो लिथियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, और नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O2 - 2। बेटा जो नॉर्मल ऑक्साइड उसका फॉर्मूला है O-2। तो अब देखो लिथियम है जिसकी वैलेंसी होती है +1, नॉर्मल ऑक्साइड का है फॉर्मूला O-2। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, देखो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, O2 इधर आएगा इसका 1 इधर चला जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा Al2O। बेटा इसकी जो दो वैलेंसी है वो यहाँ पे आएगी इधर आएगी और इसकी 1 वैलेंसी इधर जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फॉर्मूला बन जाएगा Al2O। लिथियम ऑक्साइड, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड है बेटा, जो ये फॉर्मूला है नॉर्मल ऑक्साइड, इसको आप कैसे लिख सकते हो? तो बन जाएगा M2। M का मतलब है अल्कली मेटल, बेटा M अल्कली मेटल में जिसकी वैलेंसी है +1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2, तो क्या बनेगा? M2O बन जाएगा। M2O, तो देखो लिथियम है प्लस ऑक्सीजन, क्या बन गया? लिथियम ऑक्साइड बन गया, ये नॉर्मल ऑक्साइड है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद उसको वैलेंस किया गया, ठीक है। वैलेंस करने से क्या होगा, इसका भी 2 लगा दिया गया, लिथियम का एटम कितना भी 4 से 4 लगा और ऑक्साइड का एटम लगा। सोडियम बारिश विद सोडियम कैसे चलता है? सोडियम येलो फिल्म से चलता है, कभी कभी फिल्म का भी पूछा जाता है कि सोडियम का जो फिल्म का कलर है वो कौन सा है, सोडियम जो चलता है वो गोल्डन येलो फिल्म से चलता है। इन ऑक्सीजन टू फॉर्म परऑक्साइड, बेटा ये परऑक्साइड बनाता है। तो देखो सोडियम की वैलेंसी है +1, परऑक्साइड का फॉर्मूला है O2-2। दो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस की चार, बेटा दो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस की चार, इसका मतलब है एक ऑक्सीजन के ऊपर 1 चार्ज, दो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस की चार, एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगी 1 चार्ज। तो O2-2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर भी, तो क्या बनेगा Na2O2, क्या बनेगा बेटा? इसकी 2 वैलेंस इधर आएगी, इसकी 2 वैलेंस इधर आएगी, इसकी 1 इधर जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बनेगा Na2O। तो सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? सोडियम परऑक्साइड। पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं बेटा, सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड होता है O2-1। बेटा सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला था O2-1। अब देखो पोटेशियम और सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला है O2-1, ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे और बन जाएगा K2O। रुबिडियम है +1 है और सुपर ऑक्साइड है O2-1, तो ये कैंसिल हो जाएगी, बन जाएगा RbO2। जहां मेटल है ग्रुप फर्स्ट का और ये बनाता है सुपर ऑक्साइड, तो फॉर्मूला बनेगा Na2O2।
बेटा ये एम है प्लस ओ टू, तो एम की वजह से प्लस वन और ओ टू, ओ टू होता है माइनस वन बेटा। सुपर ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वन चार्ज होगी, एक ऑक्सीजन के ऊपर हाफ चार्ज होगी, दो ऑक्सीजन के ऊपर देखो चार्ज है माइनस वन, दो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वन चार्ज है। अगर हम अकेले ऑक्सीजन के एटम की चार्ज निकाले तो माइनस हाफ होगी सुपर ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वन चार्ज है और उसकी चार्ज है प्लस वन, प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, अपना बनेगा एम ओ टू, एम ओ टू। अब देखो पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है KO2। सीजियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं सीजियम सुपर ऑक्साइड CsO2, रुबिडियम फिर बन जाएगा RbO2। तो ये क्या कह रहे हैं सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड आप अल्कली बेटे, जो नॉर्मल ऑक्साइड है वो सिर्फ लिथियम ही बना सकता है बेटा, जो नॉर्मल ऑक्साइड है वो सिर्फ लिथियम बना सकता है। अदर फॉर्म्स दो अच्छा, और दूसरे जो है डायरेक्ट नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाते बेटा, जो लिथियम और ऑक्सीजन का डायरेक्ट रिएक्शन से नॉर्मल ऑक्साइड बनता है, दूसरे डायरेक्ट नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाते, इनडायरेक्टली बना सकते, वो इनडायरेक्ट भी बना सकते हैं ठीक है। इस तरह जैसे सोडियम है, सोडियम बनाता है परऑक्साइड, तो परऑक्साइड को नॉर्मल ऑक्साइड में ठीक कर सकते हैं, जो सोडियम परऑक्साइड है बेटा उसको नॉर्मल ऑक्साइड में आप ठीक कर सकते हैं, सोडियम नाइट्राइड को आप परऑक्साइड में ठीक करो, सॉरी सोडियम नाइट्राइड को आप नॉर्मल ऑक्साइड में ठीक कर सकते, सोडियम नाइट्रेट को आप नॉर्मल ऑक्साइड में तब्दील कर सकते हो, तो डायरेक्ट नहीं बनेगा इनडायरेक्ट ही बन जाता है। अच्छा दे आर प्रिपेयर बाय इनडायरेक्ट मेथड, ये बनेगा इनडायरेक्ट मेथड से बाय रिड्यूसिंग परऑक्साइड, रिड्यूस किसको करेंगे परऑक्साइड को, परऑक्साइड को रिड्यूस करके बना सकते हैं, नाइट्राइड से बना सकते हैं, नाइट्रेट से बना सकते हैं, नाइट्रेट से। अब देखो सोडियम परऑक्साइड है बेटा, ये देखो सोडियम परऑक्साइड है, सोडियम परऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है सोडियम मेटल के साथ, सोडियम परऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है सोडियम मेटल के साथ, बन गया ये नॉर्मल ऑक्साइड बन, यहां पे नाइट्रोजन गैस नहीं बनती नाइट्रोजन गैस ठीक है। अब देखो Na2O2 Na2O2 सोडियम परऑक्साइड सोडियम परऑक्साइड Na2O2 प्लस सोडियम मेटल अपन के नाम लग से Na2O2 नाम लग से बेटा सोडियम परऑक्साइड है, जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा फर्दर तो क्या बनेगा नॉर्मल ऑक्साइड। अब देखो Na2O2 है, Na2O2 सोडियम परऑक्साइड प्लस सोडियम मेटल तो क्या बन गया Na2O बन गया, तो बेटा बैलेंस करने में हुआ बाकी बनेगा ये, तो सोडियम परऑक्साइड है सोडियम मेटल के साथ हीट करके क्या बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है। सोडियम नाइट्राइड प्लस सोडियम मेटल बेटा देखो सोडियम नाइट्राइड है NaNO2, सोडियम नाइट्राइड इसको भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे आप तो NaNO2 बनेगा,
और नाइट्रोजन गैस बनेगी। बेटा NaNO2 को जब सोडियम एटम के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी वैसे बनेगा, क्या बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड और क्या बन रहा है, नाइट्रोजन गैस। इसको बैलेंस करने के लिए इधर टू लगा दी बेटा, इधर टू लगेगा और इसके आगे लगेगा फोर, इधर फोर लगेगा और इधर लगेगा अच्छा प्रोटीन, इधर लगेगा आठ, इधर सिक्स लगेगा। उसके बाद है NaNO3 प्लस सोडियम मेटल, सोडियम नाइट्रेट को जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा Na3। अच्छा दूसरा बनेगा नाइट्रोजन गैस। बेटा देखो सोडियम परऑक्साइड से भी बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट नाइट्राइड से भी बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट से भी, इन सबको सोडियम मेटल के साथ मिलते हैं, सबको सोडियम मेटल के साथ घी देंगे। अच्छा अब देखो नाइट्रोजन के दो आइटम है इधर, इधर नाइट्रोजन दो आइटम है, इधर दो लगाना पड़ेगा। अच्छा ऑक्सीजन सिक्स हो जाएंगे, यहाँ पे सिक्स लगाएंगे ताकि ऑक्सीजन सिक्स हो जाएंगे, सोडियम बारह हो गए, दो सोडियम यहाँ पड़े, दस यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, ये बैलेंस है। तो अब देखो नॉर्मल ऑक्साइड सिर्फ लिथियम बना रहा था, सोडियम नहीं बना रहा था, अब देखो सोडियम बना लिया, सोडियम ने कहां से बनाया, सोडियम परऑक्साइड से, जब उसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन किया सोडियम नाइट्राइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराया, सोडियम नाइट्रेट को सोडियम मेटल के साथ, इसका मतलब है सोडियम का जो कार्बन ऑक्साइड है वो किस तरह हम हासिल कर सकते हैं, सोडियम परऑक्साइड से, सोडियम नाइट्रेट से, सोडियम नाइट्रेट से।